हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है उसको पढ़ने में। आप बस इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ो, देखो रियली में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। इसलिए क्योंकि आज हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है तो बहुत कॉमन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो धीरे धीरे बोले तो ये इंग्लिश की क्या है? की है। क्या है? की, चाबी है जो इंग्लिश की ताला को खोलेगी। अभी तक हम लोग छोटे छोटे बेसिक बेसिक चीजों पे बात करे आ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बेसिक वर्ड मीनिंग ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को। आज मैं आपको वर्ड बताऊंगी, उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगी और साथ में उसकी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है दिस। क्या है? दिस है ना, बहुत कॉमन। मैंने कहा था ना आपको पहले ही कि वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए, और बेसिक चीजें तो वैसे भी जरूरी होती है, तभी आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो चलिए देखिए, पहला क्या है? दिस। क्या है? दिस। दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? या। क्या होता है? या। ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको दिस डाइट में कोई कंफ्यूजन है तो मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ दिस और डाइट पे ही है, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि दिस मीन्स होता है या। क्या होता है? या, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, यह एक आम है। यह का यूज हम किसके लिए करते हैं? जो चीज, जो ऑब्जेक्ट जो हमारे नजदीक होती है, आसपास होता है, उसके लिए हम यह यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? यह एक आम है। क्या है? यह एक आम है। ये हिंदी सेंटेंस है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यह का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? दिस। तो दिस इज अ मैंगो। क्लियर है? क्या है? दिस इज अ मैंगो। अगर आपको इंग्लिश में ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तब भी आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं एक एक करके आपको हर एक चीज सिखाऊंगी, हर एक चीज बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दैट। क्या है? दैट। दैट मीन्स होता है वह। क्या होता है? वह। और अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है? वह एक पेड़ है। वह मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहीं दूर है। कहाँ है? दूर है। तो वह एक पेड़ है, मतलब पेड़ दूर में है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वह एक पेड़ है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? दैट इज अ ट्री। क्या होगा? दैट इज अ ट्री। मैं आपको फिर से बोल रही हूं, अगर आपको दिस और दैट के में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा एक वीडियो जरूर देखें, दिस और दैट पे जो पर्टिकुलर वीडियो है, उससे आपको दिस और दैट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ही। He means क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। लेकिन वो किसके लिए यूज करते हैं हम? ही का यूज करते हैं हम पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए, ठीक है। अब उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या है? वह एक लड़का है। किसकी बात हो रही है यहाँ? लड़के की बात हो रही है। यहां तो हम दैट मीन्स में तो वह बताए थे ना, लेकिन ये वह और ये वह में फर्क है, ठीक है। यहाँ जो वह का यूज हम करेंगे वो किसी पुरुष के लिए करते हैं। अगर किसी पुरुष के बारे में हम बात कर रहे होते तो हम वह का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? वह एक लड़का है। वह एक क्या है? लड़का है। यहाँ पुरुष के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे ही इज अ बॉय। क्लियर है? ही इज अ बॉय। ही और सी, ही और सी पे भी मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ही देख लिए हम लोग, अब देखेंगे हम लोग सी। क्या देखेंगे? सी। सी मीन्स भी वह होता है। क्या होता है? वह। लेकिन हम लोग सी का यूज कहाँ करते हैं? स्त्री के लिए। कहाँ करते हैं? स्त्री के लिए। जब भी हम लोग किसी भी स्त्री के बारे में बात कर रहे होंगे, जो आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग वहां पर सी का यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश करने जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तब भी आप ये सब कुछ को नोट करके रख लो। मैं आपको बताऊं बहुत ही जल्दी, सबसे पहला इज़ एंड आर का यूज बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और बहुत, यकीन मानो, बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए देखिए, लेकिन उससे पहले ये वर्ड मीनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, सी मीन्स क्या होता है? वाह। क्या होता है? वाह। एकदम याद कर लो, मतलब ऐसे पढ़ो कि याद रह जाए, रटने की जरूरत ही ना पड़े। सी मीन्स वाह। किसके लिए? स्त्री के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए,
वह मेरी बहन है। क्या है? वह मेरी बहन है। यहां बहन के बारे में बात हो रही है, वो क्या है? पुरुष है या स्त्री? स्त्री है, इसलिए हम लोग यहां सी का यूज करेंगे। सी इज माय सिस्टर। क्या होगा? सी इज माय सिस्टर। क्लियर है? अब नेक्स्ट माय। माय मींस मेरा। ये बहुत ही बेसिक वर्ड मीनिंग है। अक्सर बच्चे छोटे रहते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो फर्स्ट में उनको पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो बच्चे बोलते हैं ना माय नेम इज एक्स वाई जेड, माय नेम इज एबीसी, जो भी उनका नाम होता है, तो उसी तरह। तो ये माय मींस क्या होता है? मेरा। ठीक है, ये मैंने आपको कॉमन यूज बताया माय का। ऐसा नहीं है कि माय का बस यूज उतना ही होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। क्या है? मेरा नाम मोना है। क्या है? मेरा नाम मोना है। तो कैसे बोलेंगे? माय नेम इज मोना। ठीक है, नेक्स्ट आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। क्या होता है? मैं। जब कभी भी किसी को बोलना हो कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं ना, उसमें हम लोग आई का यूज करते हैं। तो जैसे एक है एग्जाम्पल देखिएगा इसका, मैं एक कवि हूं। क्या हूं? मैं एक कवि हूं। तो क्या कहेंगे हम लोग? आई एम अ पोएट। क्या है? आई एम अ पोएट। क्लियर है? अब नेक्स्ट कुछ और हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यू। क्या है? यू। यू का हिंदी मीनिंग होता है तुम लोग, आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यू का हिंदी मीनिंग ये चारों ही होता है। यू मीन्स तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। जहां कहीं भी हिंदी में तुम लोग, आप लोग दिया हो, वहां हम इंग्लिश में यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है तुम तैयार हो। क्या है? तुम तैयार हो। तो क्या होगा? यू आर रेडी। नेक्स्ट है आप लोग तैयार हैं। तो यहां पर भी सेम ही, हिंदी मीनिंग तो अलग है बट इंग्लिश सेम होगा, यू आर रेडी। क्लियर है? एकदम अच्छे से देख लीजिए, यू का हिंदी मीनिंग तुम लोग, आप लोग, ये चारों ही होता है। मतलब अगर कहीं भी आपको हिंदी से इंग्लिश करने को दिया जाए और हिंदी में तुम लोग, आप लोग कुछ भी लिखा हो, तो आप इंग्लिश में उसमें यू का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वी। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका देखेंगे, हम लोग गरीब हैं। क्या है? हम लोग गरीब हैं। तो वी आर पुअर। क्या होगा? वी आर पुअर। ठीक है, नेक्स्ट है दे। दे मीन्स होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, वे लोग व्यस्त हैं। क्या है? वे लोग व्यस्त हैं। तो दे आर बिजी। क्या होगा? दे आर बिजी। क्लियर है? तो यही खत्म होता है आज का इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो आपके लिए है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप सेंटेंस जब बनाना शुरू करोगे, ट्रांसलेट करना शुरू करोगे, तो इन बेसिक वर्ड मीनिंग से ही स्टार्ट किया जाता है, इनसे ही शुरू करोगे। तो आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन करके रख लो, अच्छे से इसको पढ़ लो, ताकि आगे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। अब आज की क्लास तो यहां होती है खत्म। याद हो गया आपको सारे वर्ड मीनिंग? बहुत ज्यादा तो थे भी नहीं। तो चलिए अब आपके लिए यहां दो वर्ड मीनिंग मैं आपको लिख के देती हूं आज की क्लास से, इसका फटाफट कमेंट करके आंसर करो। ठीक है, ये दो वर्ड मीनिंग है। एक है वह, दूसरा है वह पुरुष के लिए। इन दोनों का इंग्लिश क्या होगा? फटाक से आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।